नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं पहुंची हूं श्री मामाया शक्ति पीठ मंदिर जो है वहां पर। आज से जो है मेला स्टार्ट हुआ है और पूरे मंदिर के जो दर्शन है वो हम करवाएंगे आपको। सुनो, ये मंदिर भारत के मुख्य 64 शक्तिपीठों में से शामिल है। जब बच्चे होते हैं तो यहाँ पर मामाया मंदिर में सर्वप्रथम उनको झुकाया भी जाता है, जहाँ पर से लोग जो है वो पधारते हैं दर्शन करने के लिए। रोटी भूल गई, कुछ का भी जैसी हो गई। अब उस रोटी ने बीच में से फाड़ के पक्षी है। अब उससे ज्यादा सेकू आंखें को तो देखू चला दी रोटी। अब यहां घूमना चले। अब मेरा तो खाना टिफिन है। राम राम दाऊ जी। राम राम। मामाया मंदिर के बारे में बताओ, की विशेषता है, कद स्थापना हुई? नवलगढ़ महामाया शक्तिपीठ की स्थापना आज से 300 साल पूर्व निरंजनी संप्रदाय के सिद्ध महात्मा वचन सिद्ध पन्नामा जी महाराज के द्वारा की गई थी। जब नवलगढ़ शहर की स्थापना रावल मदन सिंह जी ने की थी, उसी समय सबसे पहले इस मंदिर की जागीर को रखा गया था। कहावत है कि शेखावत रियासत काल में जितने भी रजवाड़े राजा महात्मा थे वो सभी पन्नामा जी महाराज के शिष्य थे और सभी के जात जोड़ने शेखावत कुल के यहीं पे उतरते हैं। पहले एक लोकोक्ति थी कि जहाँ पे सर्व पूज्य देवी देवता जहाँ पे राज पूजा करता था वहाँ पे आम जनता भी पूजा करती थी। वैसे महामाया का इतिहास अंतरिक्ष पुराण में है। अंतरिक्ष में पुराण के अंतर्गत 9 मूर्ति 9 देवी जो प्रचलित देवी के रूप में मानी जाती हैं, बाकी की 5 जो हैं वो अंतरिक्ष चरण हैं। उनका निवास स्थान अंतरिक्ष में है और सौरस्य वात्रिका के रूप में जब हम नवरात्रि में पूजा करते हैं सारे देवी शक्तियों के स्वरूप को एक जगह एकत्रित करके जिसको पूजा जाता है वो देवी शक्ति महामाया है। बिल्कुल, आज यह भंडारा चालू है महामाया मंदिर में, तो बिको के कारण है। और महामाया मंदिर में वार्षिक रूप से 3 बड़े मेले भरते हैं, भाद्रपद एकम से लेकर पूर्णिमा तक, जो विशेष रूप से सुदूर भारतवर्ष से यहाँ पे यात्री आते हैं, जो हरियाणा पंजाब दिल्ली मध्य प्रदेश, और नवरात्रि काल में दोनों नवरात्रियों में यहाँ के शेखावटी जनपद के सुदूर राजस्थान के लोग आते हैं। और यहाँ पे जो मेला भरता है उस मेले के लिए तो दूर दराज से लोग आते हैं, वो बाहर से खाना लेते हैं, थोड़ी परेशानी होती है, तो नवलगढ़ कस्बे के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर के महामाया मंदिर के सहयोग से ही एक निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें सबको निःशुल्क भोजन मिल सके और किसी को भी खाना बनाने की और असुविधाओं का सामना करना नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद।